हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा और एक बार फिर से स्वागत है आपका मैजिकल हैंड में। दोस्तों, हम ये छोटे से ब्लाउज पीस के टुकड़े में से कुछ नया और सुंदर बैग बनाने वाले हैं, तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने इसको कट कर लिया है और फॉर्म और ये सिंपल कॉटन का कपड़ा लिया है अस्तर में हमने, और ये हमने कट किया है 13 बाय 10 इंचेस। अब इसको हमें जोड़ लेना है, क्विल्ट कर लेना है इसके ऊपर। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें क्विल्ट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे 2 इंचेस पे मार्क करना है, नहीं सॉरी 3 इंचेस पे हमें मार्क करना है, और हमें सीधे लाइन ड्रॉ करनी है। इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से। अब हमें जिप को कट करना है, जो हम इससे 1 इंच छोटी कट करेंगे। और ये हमारी जिप है 12 इंच की। अब ऐसे 4 पार्ट कट करने हैं जो 1.5 बाय 1 इंच के हैं, और हमें इसको जिप में इस तरीके से लगाना है। अब जो ये हमने कट किया है वहां पे जिप को हमें अटैच करना है। दोस्तों, अब हमें लेना है सिंपल सा ये अस्तर का जो पार्ट है वो 13 इंच हमें लेना है, और यहां से हमें लेना है 7 इंच, और एक पार्ट हमें ऐसा लेना है जो 13 13 बाय 4 इंच है। अब 12 इंच की हमें जिप लेनी है, और जिसमें मैंने पहले जो जिप में हमने जिस तरीके से लगाया था उसी तरीके से इसमें लगा दिया है। अब इसको हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे जिप को अटैच कर लिया है, और जिस तरीके से हमने ये पार्ट बनाया उसी तरीके से मैंने एक और पार्ट बनाया है जो हमने अटैच किया है। यहाँ पे जो हमारी जिप वाला पार्ट है उसी के नाप से हमने ये दोनों पार्ट बनाए हैं 13 बाय 10 इंच के। अब हमें लेना है 13 बाय 4 इंच, और इसको हमें सेंटर में से कट करना है, और 13 इंच की हमें जिप लेनी है, और जिप को हमें यहां पे अटैच करना है।
अब ये देखिए हमारी जिप अटैच हो गई है। अब हमें ये पार्ट लेना है जिसमें हमने जिप को अटैच किया है। इसको इस तरीके से फोल्ड करके हमें यहाँ से स्टिच करना है। अब हमें ये दूसरा पार्ट लेना है और इसको यहाँ पे में अटैच करना है। ये जो हमारा ये पार्ट है उसको यहाँ पे फोल्ड करते हुए अटैच करना है। अब हमें ये पार्ट लेना है जिसमें हमने पीछे की ओर जिप अटैच की है, तो इसको हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है। और यहां से स्टिच को स्टार्ट करना है और पूरे राउंड में हमें स्टिच करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसको अटैच कर लिया है और ये हमारा बुकेट हो गया है। अब इस तरफ का ये जो हमारा पार्ट है उसमें हमें ये पार्ट को अटैच करना है। उसी तरीके से पूरे राउंड में हमें स्टिच करना है। अब हमें ये बॉर्डर को लेना है। बॉर्डर हमारा है 4x27। तो इसको हमें यहाँ पे लेना है इस तरीके से। ये जो हमारे पार्ट है इसको इस तरीके से रख देना है और सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टिच करना है और यहाँ पे सीधे अटैच करना है। तो ये हमने स्टिच कर ली है। अब इसको हमें ऐसे करना है और यहाँ से हमें स्टिच को स्टार्ट करना है और इस तरफ हमें फिनिश करना है और यहाँ पे फिर से हमें जोड़ देना है और दूसरी साइड भी हमें स्टिच कर लेना है। अब हमें ये जो दोनों पार्ट है उसको इस तरीके से फोल्ड करना है। अब हमें ऐसा पार्ट लेना है जिस जो 20x4 इंचेस है और ऐसे हमें दो पार्ट लेने हैं और ये हैंगर के पार्ट है। इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे स्टिच करना है और यहाँ पे स्टिच करना है। तो हमारे ये दो हैंगर रेडी है। इसको हमें यहाँ पे हमें 4 इंचेस पे दोनों साइड मार्क करना है और हमें हैंगर को लगाना है। इसको ऐसे फोल्ड करना है फिर यहाँ पे ऐसे स्टिच करना है इसके ऊपर। तो हैंगर हमारे अटैच हो गए हैं। अब हमें ऐसी पट्टी लेनी है ₹33 है। इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है
और यहाँ पे अटैच करना है, यहाँ से हमें यहाँ पे फिनिश करना है, फिर हमें दूसरी ओर फोल्ड करना है और इसको हमें पहले नीचे की ओर स्टिच करना है ऐसे। अब इसी तरीके से हमें पीछे की ओर भी लगा लेनी है। तो दोस्तों हमारी ये बैग रेडी हो गई है। और अगर आपको यहाँ पे मैग्नेट बटन लगाना है तो वो भी आप लगा के ऐसे बंद कर सकती हैं, और नहीं लगाना है तो वैसे भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे मैग्नेट बटन नहीं लगा रही हूँ। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हमने बड़ा सा पॉकेट किया है जिसमें हम बहुत सारा सामान रख सकते हैं, और हमारा एक पॉकेट यहाँ पे है और यहाँ पे भी हमने पॉकेट किया है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है, ये बैग आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप देख सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।